दोस्तों गाने की जो हिस्ट्री है उसका जब हम देखते हैं तो हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है जो गाना है ना ये एक बड़ा मुश्किल फन है। ये कवालों ने, क्लासिकल गायक ने, गजल गायक ने या पॉप सिंगर्स ने, इन सब का अपना अपना स्टाइल होता है। ये कहाँ कहाँ से गाना चला है जरा थोड़ा सा मैं आपको ये तफसील से बताना चाहता हूँ कि गाने की शुरुआत क्या है। जरा जमील भाई को गुजारिश करूँगा जरा तशरीफ लें। गाना क्या है, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान में गाने को कला कहते हैं, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ, क्योंकि उनके मज़हब में उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए उसको वहाँ पे बहुत पाकीज़ा बड़ा ही इज्जत की नज़र से गाने को देखा। गाने की शुरुआत हिंदुस्तान से है। सेकंड गुरुम, पहले गुरुकार खुद ही, गुरुकार खुद ही, अदाकार खुद ही, मूसीकार खुद ही, लयकार खुद ही, अपनी फिल्म देखी खुद ही, खुआर खुद फिल्म चलाई, खुद देखी, खुद इंटरव्यू किया, खुद समोसे बेचे, खुद खरीदे, खुद साइकिल पे बैठे, सन हाउस बंद किया, चले गए। स्टाइल गाने का उनका था। कितना नाजुक था दिल ये ना जाना, कोई हॉस्पिटल ने पट्टियां कराने के लिए वहां से गाना चला पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में गाना एम करीम के पास है, सारी जिंदगी नाक से गाते रहे, लोग कान से सुनते रहे। ये गोरी घूंघट में शर्मा, ये गोरी घूंघट में शर्मा, आंचल बढ़ता जाए आया से सिमटी जाए, ये गोरी घूंघट में शर्मा, ये गोरी घूंघट में शर्मा। और गोरी सोचे कि ये घूंघट उठाए, मैं इससे पहले अल्लाह उठा ले तो गया था। यहां से गाना चला, गाना आ गया गुलाम अली। गुलाम अली का ताल्लुक पाकिस्तान के हसीन तरीन सूबे पंजाब से है। ये अपने अनाउंसमेंट खुद करते हैं। थोड़ी सी मैं बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर प्लीज़ बड़ी नवाजिश हो तो इसको ना हम प्रोग्राम को इस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं कि एक तरीके से आपको लगेगा किसी प्रोग्राम में आए। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और अम्माओं से भी उनको पकड़ लें। गाना है गुलाम अली साहब पे। गुलाम अली का ताल्लुक क्योंकि हमारे हसीन तरीन सूबे पंजाब से है, इसलिए अपने अनाउंसमेंट खुद करते हैं हमेशा। और उनके बारे में एक आपको एहतियाती तदाबीर बता दूं कि वो जब गाना गाएं तो कभी भी ना गाएं बहुत अच्छे वाह वाह, जो ऐसा करता है ना वो बाजा उसी की तरफ घुमा लेते हैं और पूरी रात उसी को सुनाते हैं। तो तुझे बड़ी समझ है, सुन बेटा। इनका अपना अंदाज है, अपने अनाउंसमेंट हमेशा खुद करते हैं। ये जो गजल है ये हसरत मानी साहब की गजल है, इसे मैं अर्दू में पेश कर रहा हूँ। अर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसके अंदर बोलना हमारा फ़र्ज है। मैं अर्दू बोलूँगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता तो बिगाड़। गाना गाते हुए महफिल में देख लेते हैं कि दोस्त कहाँ बैठे हैं, उनसे खाना बच्चे बीवी सब पूछ लेना है।
से गाना चला रंगीले पे आ गया। रंगीले क्योंकि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इंसानों में जन्म लिया है, ये उनकी मेहरबानी है। रंगीले की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसकी वजह यह है कि उन पर बैठकर मुसलमानों ने बहुत जंगें जीती हैं, और ये चंगेज खान तक के साथ रहा। रंगीले साहब का स्टाइल अपना गाने का, मेरे मनवा जा रे जाना है हम का मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हम ठुमक नहीं चल रहे बयनवा ठुमक ठुमक नहीं चल रहे बयनवा अपनी नगरिया है तू अपनी नगरिया है तू मेरे मनवा दादा जाने गाना चला एसपी जोन पे आ गया। एक मर्द गुलोकार पाकिस्तान का एक ही गाना गाया, दूसरे आर्मी घर चले गई, उसने नहीं गाया, क्योंकि मैं नहीं गाऊंगा। एक गाना गाया, वही अमर हो गया, वही हमेशा गाते हैं, वही उनके आखिर में भी वही गाया जाएगा। कुछ भी नहीं है ये माना कि मैं फिर जमा है हसी है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये माना कि मैं फिर जमा है हसी। यहाँ से गाना चला मेहदी हसन का। मेहदी हसन हमारे मुल्क का वो सरमाया है जो हम खर्च नहीं कर सकते, ये फिक्स डिपॉजिट है। मेहदी हसन जैसे बच्चे अब पैदा नहीं होते क्योंकि मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। दुनिया में अगर सुर किसी के सामने सर झुका के खड़े रहते हैं तो वो मेहदी हसन है। मेहदी हसन पाकिस्तान का फख्र है, और गायकी में इतने तवील गजलें गाने का उनका रिकॉर्ड है कि उनकी गजल ख़त्म नहीं होती, बच्चे बड़े हो जाते। स्टाइल उनका अपना है, सफ़ेद चादर पे पीला कुर्ता पहन के बैठते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे अंडा हाफ फ्राई रखा हो। अदास उनका पेश कर रहा हूं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके से आपको अपने फनकारों की याद भी ताजा करा रहा हूं और आपको एंटरटेन भी कर रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कि पाकिस्तान के पास क्या क्या अल्लाह ने नेमतें दी हैं, ये सब मैं आपको तरतीब से बताता चला जा रहा हूं। अब मेहदी हसन साहब का अपने गाने का अंदाज है, बाद में पेश करूंगा कि उनके फेस एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ उनका अंदाज बता रहा हूं। कि मोहब्बत में ये मकाम किसी का नाम लो लब पे तुम्हारा उदागरी के मोहब्बत में ये मकाम है, उदागरी
में ये मकाम है, किसी का नाम यूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम है। जब मेरे संग गाते हैं उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा अपने आदमी से किसी और गाने की फरमाइश करके ना उसको पसंद कर दे। अब मेरी संग गा रहे हैं, किसी ने फरमाइश कर दी, गाना सुनाओ चुम्मे के दिन क्या चुम्मे गाओ, मेरी संग से कह रहे हैं चुम्मा चुम्मा सुनाओ, जबकि मेरा ख्याल है उनके मुंह पे चुम्मा सूट ही नहीं गाता। मेरे ख्याल में उनके साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं। क्योंकि मैथिसन साहब का चुम्मा कोई माई का लाल ही ले सकता, जो माई का लाल चुम्मा लेगा वो माई का पीला हो जाएगा, क्योंकि उनका चेहरा कहीं ठहरता नहीं है गाने में। और जैसे कि आप सब समझदार लोग हैं, चुम्मे के लिए ठहराव बड़ा जरूरी है। आप मैथिसन साहब से कहते चुम्मे के दिन के चुम्मे का वादा, अभी जो गाना है जुम्मे के दिन, ये आपको मालूम है ये गाना हिंदुस्तान का है और ये अमिताभ बच्चन पे पिक्चर आई तो बड़ा, मैं इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा सुना देता हूं, ध्यान में गाना आ जाए। ये जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, चुम्मा बड़ा खतरनाक काम है और हिंदुस्तान पाकिस्तान में शरारतें होती रहती है एक दूसरे के साथ, और ये इंडिया को मालूम है वहाँ के लोगों को जुम्मा जो है वो मुसलमानों की इबादत का दिन है, छाट करके जुम्मे को चुम्मा छोड़ा हो ताकि इनका जुम्मा ज़ाया हो गया, और मुसलमान टेंशन में आ जाए कि जुम्मे हो जाएगा जुम्मे हो जाए। क्या हुआ, ये जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा जुम्मा जुम्मा, ठीक है। मेहंदी साहब उस वक्त गीत गा रहे थे जब किसी ने उनको फरमाइश कर दी, गीत क्या गा रहे थे, दिल की फिल्म का बड़ा हिट गाना है, चले इस जहां से दिल उठ गया है, उन्हें दे दो खबर मर चले हम मगर ये चले चले इस जहां से दिल उठ गया जहां, उन्हें दे दो खबर मत चले हम मगर ले चले याद उनके यहां। चुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा।
साहब से चला मुन्नी बेगम पे आ गए। मुन्नी बेगम 60 साल की मुन्नी 316 बच्चों की अम्मा मुन्नी। ये औरतें ऐसे नाम रख रहे थे मुन्नी नन्नी बेबी ताकि बेबी आ रही है मुन्नी आ रही है फिर जी अब लेकिन मुन्नी है ठीक है ऐसे नाम रखे मुन्नी ने सारी जिंदगी जब गया शराब गई इतनी शराब गई कि विस्की कंपनी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे लिए गया कर उसने जब गई शराब गई कभी ठहरा भी पीते हैं कभी विस्की भी पीते हैं कभी ठहरा पीते हैं कभी विस्की पीते हैं मिल जाए फोकट के चमड़ का भर भर के पीते हैं कभी ठहरा भी पीते हैं कभी विस्की भी पीते हैं मिल जाए फोकट के चमड़ का भर भर के पीते हैं जब पकड़ के ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में तो मैंने कहा ठहरो मेरे अब्बा भी पीते हैं मेरे चाचा भी पीते हैं झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराब झूम बराबर झूम काली घटा है मस्त बजा है काली घटा है शराब गई और जहाँ गई मैं तो खैर उस जगह पे जा नहीं सकता जहाँ चीज नादा ने गाई है इतनी गाई शराब इतनी गाई कि बच्चे की सालगिरह में जाके गाली बच्चे की सालगिरह में झूम शराबी इतने मशवरे उसमें दिए कि जिस बच्चे की सालगिरह थी उसका अबा आ गया उन्होंने कहा बंद कर दो मेरा बच्चा टूर्ण हो गया हटा दे झूम बराबर झूम शराबी उन्होंने गा लिया लेकिन जिस जिस गाने वालों पे गाना गया पाकिस्तान में उसके बाद कवालों पर नंबर आया गुलाम फरीद साबरी कवाल उनके भाई मकबूल साबरी मकबूल साबरी एक ऐसे कवाल हैं जिनकी कुदरती तौर पे आंख जो है ना वो फड़कती रहती है ये और बात है कि वो छांट छांट के फड़काते हैं आपको के चैन से सो रहा था मैं के चैन से सो रहा था मैं ओड़े कफन मजार में और यहाँ भी सताने आ गए किसने बता बता दिया कैसी ने दिलनवाज कि हसीने दिलनवाज तुझे इस नजर से देखेंगे हसीना दिल नवाज तुझे इस नजर से देखेंगे ऐसे रखेंगे पानी का गिलास गिलास में तेरा अक्स देखेंगे हल्का सा हिलाएंगे गिलास को और तेरा रक्स देखेंगे ये गाना वहां गया गुलाम फरीद साबरी मकबूल साबरी बड़े भाई उन पे गाना गया बड़े भाई उनका सलाम भी यही था उनके अंदाज में आपको सलाम करूंगा किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे अजीज में अल्लाह तू
तू सामने मैं सामने आसम पहले ताला फरिश्ते को मुझे कौन नहीं चाहिए मैंने पाकिस्तानी हूँ दफा कर मुझे किसी ने पूछा पाकिस्तानी में कहाँ करके जन्नत में जाके दो जख्म में मैंने कहा दो जख्म बोले जन्नत में जाके मैंने नहीं भाई जाने का फायदा कोई वाकफ नहीं अकेले आप तो सारे इधर ही होंगे हम तो मुसलमान हैं तो जन्नत में जाएंगे मैंने कहा मुझे मालूम अल्लाह ने बता लेकिन फ्लाइट सब कुछ है भाई दो सौ एक एक घंटे का सब ट्रांसजेट मिलेगा यहाँ से हम चले जरा तो हम देखें कि ये तो वो जिंदा लोग हैं जो हम में हैं लेकिन वो जो हम में नहीं रहे क्या हम उन्हें भूल गए तो मैं कहता हूँ नहीं हम में हमारे खून में ये चीज़ नहीं है कि हम अपने उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारी खिदमत के लिए वक्फ की पिछले महीने में जो फनकार हमें नहीं रहे उनमें इखलाक अहमद एक ऐसा नाम है जो 20 साल कैंसर के मर्ज से लड़ते रहे 20 साल के मर्ज में मुब्तला रहने के बावजूद वो हमारे लिए गाते रहे आपके लिए गाते रहे पर अपनी आवाज़ का जादू जगाते रहे मेरा रब जो है वो सच्चाई के ना मिटने की कसम खाई है उसने कि सच कभी मिटेगा नहीं और सच सुर है सुर सच्चा है इखलाक अहमद को कैंसर हो गया लेकिन उसकी आवाज़ का सच जिंदा रहा वो सच बोलता इखलाक भाई हम में नहीं है लेकिन इखलाक भाई आप सुन सकते हैं आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं कि ये लोग जो बैठे हैं सामने ये आपको भूले नहीं हैं इखलाक भाई के लिए एक ऐसी अकीदत भरी ताली सबकी मैं एक एक बात आपको सुनाता जाऊंगा ताकि आपको ये सब रिमाइंड हो जाए सारा होते तो ये जदीद जो सिस्टम आया है ये दुनिया में उनसे अच्छी आवाज कोई ना होती चाहूंगा रुश्दी भाई के लिए रुश्दी भाई अपने अंदाज के गुलकार थे किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना रख दिया कदमों में इन नजराना कबूल कर लो हाय कबूल कर लो है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना रख दिया पदुमों में हिम नजराना भूल
है